देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है तो आप किस तरीके से बनवा पाओगे, और दूसरी चीज़ कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवाना है या फिर मोबाइल नंबर जुड़वाना है तो वो आप किस तरीके से जुड़वा पाओगे। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको सर्विस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको आना है IPPB आधार सर्विस में। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि आपको यहाँ पर दो काम करवा सकते हो। पहला काम तो यह है कि आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हो जो कि 5 साल तक का हो, और दूसरा काम है कि मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज करवानी है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको OTP यहाँ पर डाल देना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, और उसके बाद आपको कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर भी मिल गया है। ये देखिए, ये हमें रेफरेंस नंबर यहाँ पर मिल गया है, इसको आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और ऊपर आएंगे। ऊपर देखिए आपको वापस से, हाँ देखिए, क्लिक हेयर टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर अपनी रिक्वेस्ट नंबर डाल सकते हो जो अभी अपने कॉपी किया था। चलिए यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, आप मोबाइल नंबर के जरिए भी ये पता कर सकते हो, मैं इसके जरिए कर रहा हूँ। इसके बाद फैच पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा बल्लमगढ़ से था और जो स्टेटस है वो पेंडिंग है क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया है। इसके बाद यहाँ पर जो सर्विस थी वो मैंने IPPB आधार सर्विस ली थी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको वेट करना है। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर, जो एड्रेस अभी आपने डाला था, उस एड्रेस पर इंडिया पोस्ट की तरफ से ही एक आदमी आएगा और वो आपका मोबाइल नंबर चेंज कर देगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है बच्चे का तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है, और उसमें भी इंडिया पोस्ट का आदमी ही आपके घर आएगा और आपके बच्चे का आधार कार्ड बना के जाएगा वो। ठीक है, तो यही था दोस्तों तरीका घर बैठे अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवाने का या फिर नए आधार कार्ड बनवाने का बच्चों का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।